आरसीबी ने क्वालिफाई किया है, किस तरीके का मैच हुआ है, जिस टीम ने जीतना था, ये वर्चुअली काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल था, क्या जबरदस्त मैच हुआ है। जिस तरीके से हम सब समझ रहे थे कि सीएसके टॉप चार में आराम से आ जाएगा, फेरी टेल एंडिंग होगी एमएस धोनी की, ऊपर वाले ने कुछ और माना हुआ था, कुछ और लिखा हुआ था। सनी भाई से भी हाईएस्ट है मेरा स्कोर टेस्ट क्रिकेट में। तो सनी भाई आपका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर क्या है? चुप कर राजा, मुझे पता है तेरा ज्यादा है। एक की फेरी टेल हुई है और एक प्रोबेबिलिटी की नहीं हुई, बट दिस इज अगेन इट वॉज मेंट टू बी। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स कीड़ा मैच की बात, दी शो फॉर द फैंस ऑफ द फैंस एंड बाय द फैंस। आज हमारे साथ है एक ऐसे बैटर जिनका टेस्ट मैच का हाई स्कोर है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, एलन बॉर्डर, स्टीव एंड मार्क वॉ, जैक कैलिस, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और केन विलियमसन से भी बेहतर। Let's welcome to the show flamboyant and hard-hitting left-arm batter Wasim Akram. Wasim sir, welcome to Match Ki Baat. Thank you very much. इससे पहले ऐसा जबरदस्त मेरा introduction हुआ नहीं है, और बात तो आपने सच की है। जब मैं सनी भाई से भी highest है मेरा score test cricket, तो मैं उनसे पूछता हूँ, उनसे कई तंग करते हैं मुझे, बड़ी बड़ी दोस्ती है, मैं पूछता हूँ सनी भाई आपका highest test score क्या है? अगर चुप कर राजा, मुझे पता है तेरा ज्यादा है। So ये this is one up in my armory. इन सबसे टेस्ट स्कोर ज्यादा है, वाज़न्ट अ फ्लूक। फ्लूक 10 रन का होता है, 20 रन का होता है, 30 रन का होता है, 50 का होता है, 250 रन का टेस्ट क्रिकेट में फ्लूक नहीं होता। नहीं, लोग कहते हैं ना कि जिम्बाब्वे थी, अभी जब उन्हें बताता हूँ, जब जिम्बाब्वे भी थी तो जब मैं बैटिंग करने गया था, 175 पे 6 आउट थे पाकिस्तान के, हम उन्होंने 375 प्लस किया था टेस्ट क्रिकेट में, तो वो फिर तो भी उनको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई ये सिचुएशन थी, वो फुल टॉस नहीं थे कर रहे, वैसे आपस की बात है, एंड में वो इतना थक गए थे तकरीबन फुल टॉस ही कर रहे थे। सर, कोहली और धोनी से आपका रिकॉर्ड बेटर है, तो कल के ब्लॉकबस्टर से ही स्टार्ट करते हैं। क्या जबरदस्त मैच हुआ है, फैंटास्टिक मैच सर, व्हाट अ साइट। क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स इन जनरल का यही मजा है सर, अ टीम विद 1% चांस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड ends up qualifying. आप ये मैच कैच कर पाए थे? जी, मैं ऑन एंड ऑफ कैच परफेक्ट कर पाया था। और क्रिकेट कहते हैं ना गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ दिस कि किस तरीके से आरसीबी ने क्वालिफाई किया है, किस तरीके का मैच हुआ है, जिस टीम ने जीतना था, ये वर्चुअली काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल था कि आप सोच नहीं सकते। अब देखें ना, तीन चार टीमें 14 पॉइंट्स, कितने 14 पॉइंट्स पे थी, फोर टीमें, और उनमें से आरसीबी, सीएसके, दिल्ली और लखनऊ, और सिर्फ पॉइंट इनका था 0.46 और उसके बाद था सीएसके का 0.392। इसे कहते हैं जब किस्मत की देवी मेहरबान हो, जब आप में अपने आप पे बिलीफ हो टीम पे, और कैसे जिस तरीके से शुरू में मैच आ रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग मी, मैंने कहा था कि इनका क्वालिफाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, तो उन्होंने सबको गलत साबित किया, और यही क्रिकेट का मजा है। एग्जैक्टली सर, इम्पॉसिबल इज नथिंग। और कोहली का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहाँ उन्होंने बोला है दैट देयर इज अ 1% चांस एंड समटाइम्स दैट 1% चांस इज गुड इनफ। क्या हर एक चैंपियन एथलीट की यही मेंटालिटी होती है? जी बिल्कुल, उसके बाद आप कोई भी स्पोर्ट ले लें, उसके इस माइंडसेट के बगैर आप टॉप के प्लेयर दुनिया में किसी भी स्पोर्ट में नहीं बन सकते। वो होता है ना कि एक बिलीफ होता है आप में कि यार चांस है, एक चांस है। इट्स लाइक ओके, इट्स एन ओल्ड एग्जांपल, 92 वर्ल्ड कप देख लें आप, पाकिस्तान जिस तरीके से हम जीते, हम अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज से 10 विकेटों में हारे, हाथ से हारे, फिर उसके बाद इंग्लैंड से एडिलेड में 70 पे आउट हो गए, बारिश हो गई, एक पॉइंट मिला, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से हारे, एंड देन वी स्टार्टेड विनिंग, एंड आई थिंक इट्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी आरसीबी। जब भी आईपीएल की हिस्ट्री लिखी जाएगी, ये उसमें मैच और ये जो आईपीएल है इस साल की, जिस तरीके से हम सब समझ रहे थे कि सीएसके टॉप चार में आराम से आ जाएगा, फेरी टेल एंडिंग होगी एमएस धोनी की, बट अगेन ऊपर वाले ने कुछ और माना हुआ था, कुछ और लिखा हुआ था, और ऊपर वाला भी उनकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करते हैं और जो अपने आप में बिलीफ रखते हैं। एंड दिस इज अ मैसेज टू बी लर्न फ्रॉम दिस आरसीबी क्वालिफिकेशन, कि लक फेवर्स द ब्रेव, नेवर लूज होप, एंड आई सपोज ये उनकी टीम का मंत्र था। आई एम सो हैप्पी और आरसीबी के प्लेयर्स, कोहली, फाफ, कैप्टन, सारे प्लेयर्स के लिए तो खुश हुई हूँ, ओनर्स इंक्लूड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उनके डाई हार्ड फैंस हैं ना,
जिस तरीके से वो हर साल इन दी एंड दिल बर्दाश्ता होते थे, डिसहार्टेंड होते थे, आज आई थिंक उतना ही वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने क्लिप्स देखे सोशल मीडिया पे विनिंग के में उनके क्वालिफाई करने के बाद, इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल पिक्चर्स टू सी के दिस इज वो जब मैं टॉकिंग अबाउट एक की फेरी टेल हुई है और एक प्रॉब्लम की नहीं हुई, बट दिस इज अगेन इट वॉज मेंट टू बी। आरसीबी टीम का कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा अभी? बहुत हाई होगा और कंट्रोल होगा, बिकॉज वो बुरा टाइम देख के आ रहे हैं इसी टूर्नामेंट में। दे वर आउट, दे वर ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज राइटिंग देम ऑफ एंड एवरीबडी वाज सेइंग ये क्या टीम पिक करते हैं। मैंने बात की थी पिछले इंटरव्यू में भी कि आपके फेमस वेरी फेमस एंड टॉप टेनिस प्लेयर ने भी ट्वीट की थी कि ओनर्स चेंज कर दो। ओनर्स से टीमें नहीं बदलती, टीमें बनती हैं प्लेयरों से। और ये जिस तरीके से इन्होंने पीक किया है, कोहली की जो इनके साथ पिछले जितने भी सालों से PIPL हो रहा है उनके साथ रहना, इमेजिन आई सॉ कोहली लिटरली हैविंग अ टीयर्स इन हिज आईज आफ्टर क्वालिफाइंग एंड द सेलिब्रेशंस उनके कैंप में, आई थिंक वाज वेली डिजर्व्ड बाय ऑल द प्लेयर्स, द स्टाफ, द कोच, एवरीवन इज अ हीरो। सो इट्स अ फेरी टेल काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर आरसीबी एंड 8 मैच हारने के बाद क्वालिफाई करना 14 में से, इट्स अ बिग डील। सर, आरसीबी वर्सेस सीएसके तो मैच था, लेकिन कोहली वर्सेस धोनी मे बी द लास्ट टाइम, ये फायर वर्सेस आइस के मुकाबले में आपका पर्सनल फेवरेट कौन रहा है? देखो दोनों बड़े टॉप प्लेयर थे, अब मेरा फेवरेट प्लेयर पिक करना मुश्किल है, प्रेजेंट में ये है और ऑफ कोर्स उससे पहले MS धोनी एज अ लीडर जिसने शो किया हुआ है सारी ट्रॉफीज जीत के, आपका IPL ले लो, आप इंडिया ले लो, आप वर्ल्ड कप ले लो, आप T20 वर्ल्ड कप ले लो, आप कुछ ले लो, सब कुछ जीता हुआ, ही इज डन एवरीथिंग। सो इट वाज इंटरेस्टिंग, यस ये है कि प्रोबेबली ये आखिरी इनका आपस में हुआ, पता नहीं मेरा अपना माही के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं कि वो रिटायर होगा कि अगले साल खेलेगा, बट आई हैव गॉट अ गट फीलिंग कि आई थिंक ही विल बी डन आफ्टर दिस, बिकॉज पूरा साल विदाउट क्रिकेट एंड देन कमिंग बैक एंड देन परफॉर्मेंस देना जिस तरीके से धोनी ने दी, इम्पैक्ट प्लेयर के मौके पे, फिनिशर के उस पे, वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको ऑल ईयर राउंड, उसके लिए पैशन बड़ा ज़रूरी है। आप खेलना तो चाहते हो बट पैशन एक होता है ना कि प्रैक्टिस करना है, मैंने महीना पहले प्रैक्टिस से फ़र्क नहीं पड़ता, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल ईयर राउंड, बिकॉज महीना पहले आओगे तो आप 8 महीने की रस्टीनेस आपकी ख़त्म नहीं हो पाएगी। वैसे सर, येलो आर्मी तो चाहती है कि धोनी एक और सीजन खेल ले। हाँ, I hope so too for the sake of येलो आर्मी, for the sake of cricket, because धोनी जैसा प्लेयर तो सदियों में आता है ना, बड़ा कम आता है। अब it all depends on him। अब उनकी एक बेटी है मेरे ख्याल में, वो भी अब बड़ी हो रही है, probably wants to spend time with him, although ये सिर्फ 2 महीने है, but I'm sure वो बड़े बिजी होते होंगे all year round. He is one of the biggest stars in cricketing world, still is and always will be. But all depends on him कि उनके अंदर कितना जुनून है एक और IPL खेलने का। सम आरसीबी की बात कर रहे थे और आरसीबी का बैटिंग ऑर्डर तो बहुत अच्छा क्लिक किया कल, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल सर, फॉर्म इनका अब तक अच्छा नहीं रहा और फर्स्ट बॉल पे स्विच हिट लगा दिया। सर, ये ऑस्ट्रेलियंस वर्ल्ड कप के पास आते ही फॉर्म में कैसे आ जाते हैं? यू सी, ही इज अ इंपैक्ट प्लेयर, हमें सबको पता है वो गेम चेंजर है मैक्सवेल, दैट्स गोज विदाउट सेइंग। अब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, That's his game. और यही क्वालिटी है आई थिंक आरसीबी की, कि उसकी गेम चेंज नहीं करना चाहते। अब क्या होगा, आई हैव अ गट फीलिंग कि ये कोई एक मैच इसने अकेले ने जिता देना, नॉकआउट मैच है, डेंजरस प्लेयर, आई नो फर्स्ट बॉल स्विच शिट, बट दैट्स हिज गेम। अब ऐसा प्लेयर है कि ये आपको हाई रिस्क देगा, हाई रिस्क में आउट भी हो जाएगा पहली गेंद पे, अगर नहीं तो ये मैच भी आपको अकेले जिता देगा। तो ऐसे प्लेयर्स के साथ ये रिस्क लेना पड़ता है और आपको थोड़ा काम रहना पड़ता है विद हिम इन द ड्रेसिंग रूम। आई नो इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, ही मस्ट बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हिम, आई नो ऑस्ट्रेलियंस एंड स्पेशली हिमसेल्फ इज हाउ कंपेटिटिव ही इज, हाउ यू नो हाउ मच ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल, बट लाइक आई सेड, अब बाकी टीमों को डरना चाहिए कि तीनों को जो आए हैं इसमें प्ले में लास्ट के चार, ये डेंजरस प्लेयर है, अकेला मैच ना ले जाए, एकाधा नॉकआउट। सो आई थिंक क्रिकेटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड और क्रिकेट फैंस भी जानते हैं कि ये कितने डेंजरस है और इनका कितना बिग शो है। आपने देखा होगा इनकी इनिंग्स अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, चला जा नहीं रहा, एक उंगली से बल्ला पकड़ा हुआ है, 200 कर गया यार। सो या
ये ऐसा मौका तो करेगा ही करेगा इसका, अब तो ये बाकी टीमों को इसके खिलाफ प्लान करना पड़ेगा। उनकी जो बैट फॉर्म थी या बैट थी मे भी वो इस शॉट के बाद निकल गई है। सर, इस मैच के पहले बहुत सारे फैंस और एक्सपर्ट्स फैफ की कैप्टनसी पर सवाल उठा रहे थे, इनफैक्ट वो चाहते थे कि कोहली को वापस कैप्टनसी में देखे। अबे ये मोहल्ले की टीम थोड़ी है कि यार आज तू गेंद ले आया तो तू कप्तान बन जा, आज तेरे पास पैसे हैं तू बल्ले लेके आया तू कप्तान बन जा। अभी उन्होंने क्वालिफाई कर दिए प्लेऑफ्स के लिए। विराट इज देयर, विराट एंड विराट इज आरसीबी, जब से आईपीएल शुरू हुई उसने आरसीबी से रहा, तो वो विराट उसकी वैसे ही हेल्प करता होगा। एंड आई थिंक कप्तानी चेंज करना, और ये आई अंडरस्टैंड कि आज लॉट ऑफ कंटेंट मेकर लाइक वी आर डूइंग राइट नाउ, आई एम हैप्पी, आई एम ऑल फॉर इट, बट देयर हैज टू बी सम सेंस इनटू इट। बट अगेन हर एक का अपना ओपिनियन है, प्लीज अपना ओपिनियन जरूर दीजिए, ये मेरा ओपिनियन है आपके ओपिनियन के बारे में। सो थैंक यू कि आपने बोला कि हम सेंसिबल कंटेंट बनाते हैं, फर्स्टली दैट। या वी डू, इसलिए तो बैठे हुए हैं हम। और सर, हम जब फाफ की बात कर रहे थे, कल उन्हें बहुत अच्छा स्टार्ट किया, एंड सो दैट कैच, कितना बेहतरीन कैच था, कमिट द यार, कमिट द मैन, एम आई राइट सर? He's 41 years old, isn't he? About 40, 41. हमारे अब तो क्रिकेट बदल गई है, बट ऐसा कैच करना इज वाज जस्ट, आई सॉ दैट कैच मैन, इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल, यू हार्डली सी एनी कैचेस लाइक दिस। आई थिंक फाफ डुप्लेसी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, वी जस्ट हैव टू बी पेशेंट विद इट एंड इमेजिन दिस गाय इज क्वालिफाइड आरसीबी। आप जो आरसीबी के फैंस हैं उनके लिए मैसेज है, आपको इन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कराया है एज अ कैप्टन, तो ऐसी बातें करना भी थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। ओपिनियन जरूर दीजिए अपना, बट आई थिंक He's the right choice right now. सर, अभी कोहली की बात करें तो उनका फॉर्म तो रेड हॉट रहा है इस सीजन, वर्ल्ड कप में इन पे तो अब और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी, नहीं? कोहली जैसे प्लेयर थ्राइव करते हैं ऐसे एक्सपेक्टेशंस से, वो आई मीन ही नो व्हाट इज आई जितनी ही इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन ऑल द फॉर्मेट्स, द बेस्ट फिनिशर इन द वर्ल्ड, उसका रिकॉर्ड बताता है, हमें तारीफ करने की जरूरत नहीं है। बट आई थिंक नाउ के बाद इसकी फॉर्म लग जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9th जून के बाद, उससे पहले जरा ऑफ हो जाए इट्स ओके विद मी, बिकॉज 9th को इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना वर्ल्ड कप का। सो बहुत कन्वीनियंटली आपने उनकी फॉर्म को प्लेस कर दिया है। आई हैव डन माय होमवर्क यू नो। सर, कल की जीत के बाद किंग कोहली भी टीयर्स में थे, इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद भी ऐसे मोमेंट्स इमोशनली इंपैक्ट करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आई थिंक मैं भी एंड ऑफ द करियर, जितने भी टॉप क्रिकेटर्स ले लें, आप फुटबॉलर्स ले लें, आप जो भी स्पोर्ट ले लें, आप जितनी मर्जी लंबी खेल लो, जितने मर्जी सक्सेसफुल हो, इस तरह की टाइम पे आपके आंसू, आपकी खुशी, वो इमोशंस जो होते हैं ना अंदर आपके, पूरे 2 महीने, इसके तो पिछले 14-15 साल से रुके होंगे, इस तरह के इमोशन तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया है, एंड इन द एंड से ही पता लगता है कि विराट कोहली इज आल्सो अ ह्यूमन, सो दैट्स गुड टू नो। हम तो उसको मशीन समझते थे, रन मशीन, फिटनेस मशीन, बट इंसान भी अच्छा है लड़का। नो सर, वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग विजुअल्स थे, और ऑब्वियसली बहुत इमोशनल विजुअल्स थे फॉर नॉट जस्ट आरसीबी फैंस के लिए, बट इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए भी। बिल्कुल, आई थिंक उनके फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए भी, पाकिस्तान में उनके फैंस के लिए, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में जो उनके फैंस हैं, उन्होंने फील किया उसके लिए, उनको सपोर्ट किया, एंड दे फेल्ट, दे आल्सो हैड टीयर्स इन देयर आईज प्रोबब्ली व्हेन दे सॉ विराट कोहली, सो दे आर गुड टीयर्स, खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। और आजकल की टॉक्सिक जिंदगी में, आई सपोज विद सोशल मीडिया एंड ऑल, अब इतनी चीज़ें देखते हो, ये अच्छी चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं, सो आई थिंक इट वॉज इनक्रेडिबल टू वॉच के इमोशंस नज़र आए, पता लगा कि वो कितना फील करता है अपनी टीम के लिए। सब बैटर्स की तो तारीफ कर ली, लेकिन आरसीबी के बोलर्स ने फाइनली होम पे क्रूशल विन ले ही ली। यश दयाल ने लास्ट सीजन 1 ओवर में 30 रन कंसीड कर दिए थे, और इस बार स्कोर डिफेंड करके अपनी टीम को जीत भी दिलाई। सर, जब गेम बोलर से दूर जा रहा हो ना, और जब बोलर्स क्लिक करते हैं, फिर देखने में आपको कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है देखने में। देखिए यश को जो मैं यही कहूंगा कि ये शायद ऊपर लिखा हुआ था पहले से कि आपने मेहनत करनी है, लास्ट ईयर के बाद आपने एक ऐसा मैच जिताना है, ऐसी सिचुएशन में जिताना है कि हर कोई आपका नाम याद रखेगा जब तक आईपीएल रहेगी, जब तक क्रिकेट रहेगी, कि भाई उस साल की आईपीएल में, 2024 की आईपीएल में जो लास्ट ओवर इसने किया 2023 के बाद 30 खाने के बाद, तो इसका मतलब है कि पूरा साल एक तो इसने मेहनत की है, और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी हमें सलाम करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे फॉर्मेट में ऐसी मार के बाद कम बैक करना साल बाद इज अ मैसिव डील, और ऐसा मैच जिताना,
सो ये आई थिंक सितारों में लिखा हुआ था, लड़का अच्छा है, लड़का मेहनती है तो उसकी मेहनत का उसको फल मिला है, और किस मौके पे मिला है। आई मीन दैट्स अगेन अनदर फेरी लिटिल फेरी टेल बट गुड स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी फॉर पीपल, फॉर क्रिकेट, फॉर यंग क्रिकेटर्स टू लर्न फ्रॉम इट कि यस आपका बुरा दिन आएगा मगर मेहनत करोगे तो अच्छा दिन भी आएगा आपका। एब्सोल्युटली सर, यश दयाल के सेलिब्रेशन में ये पूरी स्टोरी और ये सारे इमोशंस भी दिख रहे थे जैसे आपने कहा। जी बिल्कुल, उससे कंट्रोल नहीं हुआ होगा। इमेजिन मस्ट हैव बीन थ्रू आफ्टर लास्ट ईयर व्हेन ही कंसीडेड 30 रन्स अगेंस्ट केकेआर, आई थिंक इट वाज रिंकू ने शायद मारे थे 30 रन उसको, 5 छक्के और समथिंग। या आई सॉ दैट, सो या इट्स गुड फॉर हिम, इट्स गुड फॉर हिज करियर एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू डू wonders with his bowling with this kind of confidence. Let's hope he'll do the same in the playoffs as well. So I think RCB mere liye thode favorite lag rahe hain playoffs ke liye. So KKR se bhi zyada? Yes. Wo mujhe dar kya hai? Mujhe dar hai Maxwell, mujhe dar hai peaking at the right time. Ye mujhe dar hai. Main aapko gut feeling bata raha hu, meri gut feeling theek hoti hai mostly, but I hope I'm wrong this time. सर ग्लेन मैक्सवेल का डर सिर्फ आपको नहीं हमें भी है, इंडियन क्रिकेट फैंस को ऑलरेडी डर चालू हो गया है लास्ट मैच का फॉर्म देख के। बिल्कुल, ये मौकों पे ऐसे प्लेयर ना बड़े मैचों का वेट करते हैं। ये बड़ा मैच था बट अगले तीनों के तीन बड़े मैच हैं इनके। आई मीन स्पेशली जो ये अब सेकेंड नॉकआउट खेलेंगे वो तो नॉकआउट है ना इनके लिए, हार गए तो बाहर आएंगे, तो वो गेम पे आएंगे ये में पता लगेगा कि जो मेन प्लेयर हैं जो मैच विनर्स होते हैं वो किस तरह बड़े मैचों में आके किस तरह वो मैच अकेले ले जाते हैं। सो ये विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ आपकी न्यू फेवरेट आरसीबी ने सीएसके को हरा दिया, तो सीएसके की भी बात कर ही लेते हैं। रचिन ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और सर जडेजा एंड धोनी की पार्टनरशिप ने ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन सील कर दी थी, बट ऑलमोस्ट डजंट काउंट, एम आई राइट सर? आई हो गया ऑलमोस्ट डजंट काउंट, आइदर आप नंबर वन पे आते हो और आइदर नंबर वन पे आप नहीं आते। सो वो नंबर वन पे नहीं आए रात को। पार्टनरशिप अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, मैच बना, धोनी ने छक्का बड़ा लगाया, जडेजा अगेन वो क्या मैच विनर है, वो तो मेरा मतलब मैच को क्लोज ले आया था नो डाउट, बट अगेन इन द एंड किस्मत की देवी उन पर मेहरबान नहीं थी तो उनको बैग पैक करने पड़े और घर जाना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। आरसीबी हैव क्वालिफाइड बट या वो पार्टनरशिप ने होप दिलाई थी कि भाई काम हो गया, दोनों एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक दुनिया का नंबर वन ऑलराउंडर है, सो यू नो गेम इज काइंड ऑफ कंट्रोल्ड, बट नो आरसीबी के और यश दयाल के आई थिंक डिफरेंट ख्याल थे। हमने धोनी की रिटायरमेंट की भी बात की थी, धोनी अगर रिटायर कर गए तो फैंस के लिए वो आउट ऑफ द स्टेडियम 110 मीटर 6 वही लास्ट मेमोरी रह जाएगी, एक फेरी टेल फेयरवेल की उम्मीद टूट गई है येलो आर्मी के लिए अभी। आई मीन यस वो तो रहेगी बट धोनी की लेगेसी कुछ और है, वो एक छक्का नहीं है, उसकी लेगेसी जो उसने इंडियन क्रिकेट के साथ किया है, जो उसने इंडियन क्रिकेट में माइंडसेट लेके आया है, जो एज अ कैप्टन कामनेस लेके आया है, जिस तरीके से उन्हें एज अ कैप्टन इनिंग्स खेली है, जिस तरीके से वो एज अ फिनिशर बना है, जिस तरीके से उसने प्लेयर्स ग्रूम किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने इर्द गिर्द के यंग प्लेयर्स, कंसिस्टेंसी दिखाई है, सो ये उसकी लेगेसी रहेगी। बट या प्लेयरों के फैंस के जेन में लास्ट जो उनकी इमेज जो होगा वो ये इमेज होगा, वो 106 या 8 मीटर का छक्का जो उन्होंने मारा है इस उम्र में भी आके इनक्रेडिबल फिटनेस के साथ। धोनी की लेगेसी तो बहुत बड़ी रहेगी, ये तो कोई, ये तो एक उनकी लेगेसी की झलकी होगी। सर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अलावा ये मैच भी वन ऑफ द मोस्ट व्यूड है, 50 करोड़ फैंस ऑनलाइन प्लस स्टेडियम और टीवी की जनता, धोनी वर्सेस कोहली जैसा पुल आगे भी देखने मिल सकता है? मिल सकता है, जब सचिन था तो हम समझते थे कि कौन प्लेयर आएगा, यू नो कि सचिन को देखने, सचिन सचिन ये डायलॉग कहाँ यू नो हमें सुना जाएगा, बट देखें टाइम के साथ साथ उस जमाने के ग्रेट्स आते रहते हैं हर स्पोर्ट में, अब कोई धोनी जाएगा तो कोई और आ जाएगा, बड़े लोगों के पास इंडिया में चांसेस हैं, पंत है, संजू सैमसन है, कीपर बैट्समैन की बात कर रहे हैं हम, यू नो ऑल दिस यंग पीपल हु वांट्स टू बी देयर, सो अब उनकी दबारी आएगी अगले 10 साल, बट धोनी की लेगेसी मेरा ख्याल में ता है आज जब तक दुनिया है क्रिकेट है कायम रहेगी। सर क्या फैंस धोनी को मेंटरिंग करते हुए देख सकते हैं? नोइंग धोनी या ऑफ कोर्स That depends, you know, as a player, आप क्या करना चाहते हो रिटायरमेंट के बाद? धोनी has been so busy,
इज अबाउट 40+, सो बिजी ऑन एंड ऑफ द फील्ड, पहले क्रिकेट, फिर उसके बाद यू नो ही डज लॉट ऑफ कमिटमेंट्स विद कमर्शियल कमिटमेंट्स, मे बी चैरिटीज भी बड़ी करता है, फिर घर भी टाइम देता है. सो डिपेंड, आई थिंक प्रोबेबली ही विल टेक मे बी ईयर ऑफ, अ कपल ऑफ ईयर्स ऑफ, मे बी ही विल डिसाइड सिट डाउन विद हिज मिसेज एंड के फ्यूचर मैंने क्या करना है, कोचिंग का उनमें पेशेंस है कि नहीं है, कोचिंग नहीं तो प्लान बी कमेंट्री करनी है, वो भी नहीं करनी तो धोनी के पास, आई सपोज ही सो वेल ऑफ कि ही डजंट हैव टू डू एनीथिंग इफ ही डजंट वांट टू, ही कैन जस्ट चिल, राइड हिज हॉर्सेस एंड बाइक्स. सर टॉप फोर तो डिसाइड हो गए हैं, लेकिन टेबल के टॉप पे है आपकी केकेआर. इस बार केकेआर की सक्सेस की एक वजह अगर आप बताएं तो वो क्या होगी? एक वजह नहीं हो सकती, इट्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. एक वजह अगर मैं कह दूं कि कप्तान था या गौथम था, बट इसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं, सच अ मैसिव ऑपरेशन. एक इंसान की वजह से, एक चीज की वजह से आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं दिखा सकते. ड्रेसिंग रूम का माहौल, प्लेयर्स बीइंग कंफर्टेबल, गौथम बीइंग इन चार्ज, आयर बीइंग कैप्टन, सुनील जिस तरीके से हर लड़के ने परफॉर्मेंस दी है, ऑलमोस्ट एवरीवन परफॉर्म, वो मनीष पांडे को खिलाया एक मैच में, उसने भी परफॉर्म कर दिया जाके, यू नो, सो दैट शोज के एवरीबॉडी इज हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड दे हैव एग्रेशन, बट कंट्रोल एग्रेशन, दे आर नॉट कॉकी, दे आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. सो फार हमें पिछले इस आईपीएल में यही नजर आया है केकेआर की टीम से. सर एज अ फैन आप केकेआर के क्वालिफायर वन में किस टीम को फेस करना प्रेफर करेंगे? आई थिंक राजस्थान रॉयल की जो प्रेजेंट फॉर्म देखी जाए तो थोड़ी नहीं ठीक ठाक गिरी हुई है, वो तो you know just by chance kind of qualified but ab ye KKR ko aana padega usi zor usi mindset se ki ye Rajasthan Royal hame hara bhi sakti hai, hame mentally inko aasan nahi lena because unke paas match winners hain, although unko main player miss hain ek do, hame pata laga ki England ke player wapas chale gaye hain and that's not good for any team. Unka usne Butler is the one of the most important players, वो चला गया तो टीम का कॉम्बिनेशन फर्क तो पड़ेगा, बट नॉकआउट मैच है, नॉकआउट तो नहीं है, दोनों टीमों के पास एक चांस होगा, बट दोनों जो भी टीमें नंबर वन टू आती हैं उनका गोल ये होता है कि हम ये मैच जीतें और क्वालिफाई फाइनल में बैठ के आराम से रिलैक्स करें. हम हार गए तो ठीक है, चांस दो हैं, बट दैट्स नॉट अ गुड साइन. हार के जाके दोबारा जीतना जीती हुई टीम से, वो जरा मुश्किल हो जाता है. सो आई विल बी अ क्लोज गेम, बट केकेआर आर फेवरेट, 60-65% में केकेआर को दूंगा. बट हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था इन जनरल कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, आर फेवरेट, ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, तो प्लीज ये सारे जो देखने वाले हैं मेरे पीछे ना पै जाना. सर केकेआर में फिल सॉल्ट और द बैटर सुनील नारायण की बात तो काफी हुई है, लेकिन बैटर्स विन यू गेम्स बट बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स. एब्सोल्युटली, ये क्रिकेट जब T20 क्रिकेट शुरू हुई थी, आपको याद हो ना हो, मुझे याद है कि बड़े लोगों ने कहा था कि ये यंग लड़कों की गेम है, इसमें स्पिनर का कोई यूज नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस वाले प्लेयर बिल्कुल नहीं चलेंगे. वो 2-3 साल हुई उसके बाद सबको समझ आ गई कि स्पिनर्स का ज्यादा जरूरी है, एक्सपीरियंस का उतना ही ज्यादा होना जरूरी है, और टीमें वो टूर्नामेंट जीतेंगी जैसा कि आपने कहा जिनके बॉलर्स आउट करेंगे. 220 तो हो गया, आपने कर लिया, उसको डिफेंड भी तो करना है, तो वो कौन करेगा? वो बॉलर्स करेंगे. और केकेआर की आप देख लें, जितने भी बॉलर्स हैं अगर आप देख लें उनकी विकेटें और किस तरीके से वो कई मैच वन साइड जीते हैं, ठीक है एंड में आके रसल ने, बड़े लोगों ने, कप्तान ने, फिल सॉल्ट, सुनील नारायण की ओपनिंग पार्टनरशिप ने, एवरीबडी चिप्ड इन. यू सी, टीमें अच्छी वो होती है जो हर कोई चिप करे, एक प्लेयर पे या दो प्लेयर पे उनको वो ना हो कि यार ये करेंगे तो हम जीतेंगे. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ केकेआर दिस सीजन, कि बॉलर्स ने आउट किए हैं, स्पिनर्स ने भी और फास्ट बॉलर्स ने भी. एग्जैक्टली, तो 5 ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने 10 से ज्यादा विकेट्स लिए हैं और 6 बॉलर 1 विकेट दूर है 10 से. सो ये कितना बड़ा रीजन है इस टीम एफर्ट के लिए टू टेक देम टू द टॉप? दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स. अब विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, आप मैचेस वही जीतेंगे जिनकी टीम अगली टीम को आउट करेगी. अब वो इनके आप रैकेट देख लें, चक्रवर्ती की 18, राणा की 16, आंद्रे रसल की 15 जो कि प्रॉपर ऑलराउंडर है, फिर सुनील नारायण अनदर प्रॉपर ऑलराउंडर, टॉप ऑर्डर बैटर, और मिचेल स्टार्क 12 विकेटें हैं. मिचेल स्टार्क ने इनको एक मैच जताया भी है सिंगल हैंडेडली आखिरी ओवर में. सो या, सो दे आर गोइंग इन टू दिस फाइनल काम, कॉन्फिडेंट
एंड अ वेरी डेंजरस साइड श्योर। सर वैसे दिल और ट्रॉफीज तो आपने बहुत जीती है, लेकिन एक चीज है जो कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। सर जब हम लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात करते हैं तो इट्स लाइक अ प्री वसीम एंड पोस्ट वसीम एरा। आपसे ही जान लेते हैं कि कौन से लेफ्ट आर्म पेसर्स ने आपको इम्प्रेस किया है। आप इन्हें 0 to 10 पे रेट करिए, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, आप ही क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए। अर्शदीप से स्टार्ट करते हैं। सर वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्ट हो गए हैं, आपको ये कैसे लगते हैं? आई थिंक वेरी इम्प्रेसिव, वेरी टैलेंटेड। ही शुड बी फोकसिंग ऑन फोर डे क्रिकेट टू, बिकॉज उसके पास स्विंग है, पेस है, दोनों स्विंग करता है, नया बॉल उसका ठीक ठाक अंदर आता है। मैंने उसको 2 साल पहले देखा था, आई थिंक जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था मे बी दुबई में, वहाँ इनको मैंने देखा था। और उनके पास अब मैं रिसेंटली उनको बड़ा कम देखा है क्लोजली, बट आई थिंक ही इज गॉट द पोटेंशियल टू बी अ रेगुलर बॉलर टू प्ले फॉर इंडिया, एंड आई होप कि उसके जेन में टेस्ट क्रिकेट हो, बिकॉज T20 में पैसे बन जाएंगे। T20 में एक साल आपका नाम हो जाएगा, बट अगर आपने लेगेसी छोड़नी है तो बेटा आपको लंबी क्रिकेट का सोचना पड़ेगा। कि लोग आज जब आप रिटायर हो जाएं तो उसके 10 साल 20 साल बाद भी कह रहे हो कि यार ये बॉलर आया था क्रिकेट की हिस्ट्री में कि जिसका कोई ऐसा कोई बॉलर आया नहीं। सो ये माइंडसेट होना चाहिए हर इन यंग बॉलर्स का, नो डाउट ही इज गॉट द पोटेंशियल। ओके सर, इनका स्कोर क्या होगा? इनको मैं दूंगा 8। ओके सर, लेट्स मूव टू खलील अहमद, वो रिजर्व्स में है और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी काफी क्रूशियल रहे हैं, सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम? खलील का ब्राइट फ्यूचर अहेड, ये सारे लड़के उनके पास, प्लस इनके पास ये है कि इनके पास टाइम है और अगेन फिटनेस चाहिए। वो रिजर्व्स में है, ठीक है, वो भी नया बॉल स्विंग करते हैं और उनकी लेंथ भी अच्छी है, थोड़ी पेस भी है उनके पास। अब अगेन बॉलर अगर मेरे से तारीफ करवानी है, बुमराह की हम तारीफ क्यों करते हैं? बिकॉज एंडरसन का अभी तक नाम क्यों, अभी तक उसका नाम क्यों याद आता है? बिकॉज ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ये बच्चों को वहाँ हमने फोकस कराना है कि बेटा क्रिकेट वो है, ये तो ठीक है इसके लोग खेल, ये खेलते रहो जितना दिल करता है, बट ये टेम्परेरी है। वो जो है टेस्ट क्रिकेट, लंबी क्रिकेट, वो आएगी आपको 4 डे क्रिकेट खेलने से। सो यस, ही इज गॉट पोटेंशियल एंड आई विश हिम ऑल द लक। रिजर्व्स में है, इंजरी जरूर होगी बिकॉज मेरे ख्याल में इंडिया के स्क्वाड में एक फास्ट बॉलर कम है। और सर आप इन्हें क्या स्कोर देना चाहेंगे? आई विल गिव हिम अबाउट 7.5। वील गो नेक्स्ट टू टी नटराजन, उनके यॉर्कर्स और डेथ बॉलिंग ने आपको कितना इंप्रेस किया है? बहुत इंप्रेस किया। डेथ बॉलिंग एक बड़ा मुश्किल काम है आजकल के क्रिकेट में, आजकल के दौर में 2020 फॉर्मेट में, वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए एंड ही इज दिस स्पेशलिस्ट। जो आखिरी 2 ओवर 18वां या 20वां या 19वां वो आके करता है, उसमें यॉर्कर और स्लो बॉल, सो उसके पास पेस है एंड ही इज गॉट दैट माइंड जहाँ पे उसको पता है कि एंड में बॉलिंग कराना कितना मुश्किल है, वो इंजॉय करता है। ऐसे बॉलर जो घबराए ना कि आखिरी ओवर या ओ शिट मुझे करना पड़ेगा आखिरी ओवर, बजाय कि उफ यस आखिरी ओवर आ रहा है, मुझे चांस है विकेट लेने का, मैच जिताने का। सो ये माइंडसेट है उनका। और सर इनका स्कोर क्या होगा? 7.5। ये लड़के जो मैं 7.5 दे रहा हूँ अर्शदीप को मैंने 8 दिए, ये 9 तक जा सकते हैं अगर ये लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो। और सर 10 पे कैसे जाए? 10 पे लंबी क्रिकेट खेल के 5 साल फिर 10 पे जाएंगे। चलिए सर फिर अगले आते हैं आपके एक शागिर्द मिचेल स्टार्क, इनके प्राइस टैग पर काफी सवाल उठाए गए थे, हमने भी उस पे आपसे बात करी थी, पर परफॉर्मेंस कैसे रहा है इनका? देखिए विकेट 12 लिए हैं, इकोनॉमी रेट ज्यादा है, बट उन पिचों पे एवरेज मैच में 200 200 सवा 200 इज नॉर्मल। 270 भी देखे हमने, 250 चेज देखे 18 ओवरों में होते हुए। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक उनका इम्पैक्ट तो रहा है। प्राइस अब जो उसके कसूर थोड़ी है ना यार, उसको तो ऑक्शन में लिया गया, अब उसने थोड़ी कहा था मुझे 24 करोड़ में लो। अब दैट्स इज लक, उसकी डिमांड थी, KKR ने प्लान किया हुआ था, सारे उन्होंने पैसे जमा किए हुए थे उसके लिए एंड आई थिंक उसने एक आधा मैच जिताया और मे बी अगले दो मैचों में KKR को 2 चाहिए ना होपफुली टू लिफ्ट द ट्रॉफी, फिंगर्स क्रॉस इंशाल्लाह, तो शायद वो एक मैच अकेला जिता दे। आई थिंक ही वाज वर्थ एवरी पेनी। और सर मिचेल स्टार्क को क्या स्कोर देंगे? उनको मैं दूंगा 9.75। 0.25 कम? हाँ वो कम है, वो इस IPL में जो परफॉर्मेंस दिया भाई ने भी तो 10 देता। चलिए सर फिर बात करते हैं मुस्तफिजुर रहमान की, फिज ने 14 विकेट लिए इन जस्ट 9 मैचेस, इनके कटर्स इतने लीथल कैसे है सर? प्रैक्टिस और समथिंग एल्स? प्रैक्टिस और डिस्गाइज्ड अच्छी तरह करते हैं वो, आप बॉल करने से पहले वो उंगलियां नहीं खोलता, उसका एक्शन चेंज नहीं होता, उसी में ऐसे ही पकड़ के उसको ऐसे ही वो बिल्कुल ऐसे कर देता है बॉल को, बजाय कि ऐसे उंगलियां खोल के करे।
सो दैट्स व्हाई ही इज कंसिस्टेंट बट अगेन इनको भी इंजरी प्रॉब्लम है टेस्ट क्रिकेट का इनको शौक नहीं है सो या बट अगेन T20 फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं सो ही इज क्वाइट गुड इन इट स्पेशली विद हिज कटर्स अब उन्होंने एक नया बॉल इन स्विंग भी सीख लिया नया गेंद उनका हल्का सा अंदर आता है पहले सिर्फ क्रॉस जाता था थोड़े प्रेडिक्टेबल बन गए थे तो ये उन्होंने सीखा है पिछले दिनों में और सर हम फिज को क्या स्कोर देंगे 7 ओके सर ऑन दैट नोट वी विल मूव टू ट्रेंट बोल्ट तो इनके पास तो पेस भी है और बॉल को हवा में लहराने की काबिलियत भी है इनको कितना हाईली रेट करते हैं आप ठीक ठाक रेट करता हूँ बड़े आउट किए हैं इसने टेस्ट क्रिकेट में लंबी क्रिकेट खेली है सेंसिबल बॉलर है अभी तक सीखना चाहता है और दैट शोज के ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ एज अ बॉलर उनकी परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट है वो रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से अब वो लीग्स खेल रहे हैं हर जगह बट ही गिव्स यू विकेट्स एंड वी डिस्कस दिस बिफोर इन दिस शो के टीमें वही जीतती हैं जिनके बॉलर्स विकटे लें एंड ही इज अगेन फॉर मी इस लास्ट 10 सालों में टॉप लेफ्ट आर्म बॉलर है स्टार्क के बाद तो वो मैं इसका नाम लूंगा ट्रेंट बोल्ट का तो फिर सर उनका स्कोर भी बता दीजिए उनको मैं 10 देता हूं वाओ फाइनली सर द 10 केम आउट या मैं बड़ा कंजूस हूं टीचर बट उसको 10 दिए हैं मैंने अब आते हैं टॉपर्स की तरफ आई मीन लाइक द टॉप 4 सर हम बात कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स की प्लेऑफ से पहले मोमेंटम लूज कर दिया है एक टाइम जहां टीम को पीक करना चाहिए था जैसे आप कह रहे थे वहां पर 4 मैच लगातार हार चुके हैं सर व्हाट हैज गॉन रॉन्ग फॉर आरआर अब नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स के दे प्रोबब्ली पीक्ड बिट टू अर्ली मे बी बिकॉज शुरू में क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है क्या मैचेस जीते हैं और अब फर्क तो पड़ेगा इनका अब जॉस बटलर नहीं है कौन ओपन करेगा कप्तान खुद आएगा क्या करेगा अगर नहीं है तो कौन सा ओवरसीज खेलेगा उनकी जगह जो ओवरसीज खेलेगा वो अभी अभी शुरू करेगा सो देयर विल बी अ डिफरेंट प्रेशर ऑन दैट ओवरसीज प्लेयर डजंट मैटर हाउ गुड ही इज सो दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग इन देयर वे सो दे माइट बी एबल टू स्ट्रगल अगर स्टैट्स के वाइज देखा जाए कि जॉस बटलर के जाने से उन्हें बहुत फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल में सो वो साइकोलॉजिकल भी फर्क पड़ेगा एक तो प्लेइंग 11 में पड़ेगा एक साइकोलॉजिकल फर्क पड़ेगा आई होप दे ओवरकम इट इफ दे डोंट दे वोंट विन द ट्रॉफी सो इट्स डू और डाई फॉर देम एब्सोल्युटली आरआर से जॉस द बॉस केकेआर से फिल सॉर्ट और आरसीबी से विल जैक्स का एग्जिट हो गया है लेकिन सर एसआरएच ही अकेली टॉप 4 टीम है जो वैसी की वैसी ही रहेगी इसका कितना एडवांटेज मिलेगा इनको उनके जो प्लेयर्स हैं वो पिक नहीं हुए मेरा ख्याल है इन इंग्लैंड टीम से सो ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर देम दे आर राइट अप देयर दे आर अ गुड साइड उनकी पूरी की पूरी टीम है सो दे विल डेफिनेटली इज वन ऑफ द कंटेंडर्स द वे देयर कंपोजिशन इज द वे देयर यू नो जो उनकी प्लेइंग 11 है जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं केकेआर हो गए केकेआर को फर्क पड़ेगा फिल सॉल्ट के जाने से नो डाउट फर्क पड़ेगा और जो हैदराबाद की टीम है आई थिंक दे आर लकी कि उनके प्लेयर सारे के सारे हैं सो दैट विल गिव देम एन एक्स्ट्रा बूस्ट नॉट कि ये एक शोर शॉट होगा बट ये एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस उनको मिल जाएगा इन अ पॉजिटिव वे हाँ सर क्योंकि उनके पास कोई चेंजेस नहीं होंगे फिर ज्यादा परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस नहीं टीम बिल्कुल वही टीम खिलाएंगे ये प्लेइंग 11 है अगर ये नहीं तो ये खेलेगा पता है सबको अब बाकी जिन टीमों के प्लेयर गए हैं उनको अब वो परथू पंजाबी में कहते हैं पड़े होंगे यार किसको खिलाएं कौन ओपन करेगा बैटिंग ऑर्डर चेंज करनी पड़ेगी ऑल दीज थिंग्स एड्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन यू स्पेशली एट दिस स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट नो सर बिल्कुल दिस व्हाट यू प्ले फॉर एंड दैट्स व्हाई इट्स फ्रस्ट्रेटिंग फॉर नॉट जस्ट फॉर फैंस फॉर ओनर्स for captains of the teams for any league I'm saying so next time I suppose I agree with all the Irfan ne bhi kaha hai ek do aur cricketers ne bhi kaha hai ki aao to pure tournament ke liye aao nahi to na aao pehle bata do paise kaat loge aap kya farak padega agar aapki team yahan tak pahunch ke aap na jeete to sara hard work kar liya hai jab wo you know last hurdle aayi hai to wo aapke ladke chale gaye because unhone mulk ke liye khelna hai so ye जब आपका मुल्क आपको एनओसी देता है तो उनको भी चाहिए कि उस तरीके से आप इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस उस तरीके से टूर्स ऑर्गेनाइज करें आप यू नो फॉर एनी लीग आई एम टॉकिंग अबाउट यू कांट जस्ट गिव एनओसी टू अ प्लेयर एंड देन कॉल देम बैक हाफवे इट्स नॉट फेयर सो मॉडर्न डे गेम में एक फास्ट बॉलर के लिए फिटनेस कितनी क्रूशियल है टू हैव अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर उसके बगैर गुजारा ही नहीं आपका ठीक है फास्ट बॉलर इंजर होते हैं बट डिपेंड्स कितना इंजर होते हो एक सर्टेन एज होती है फास्ट बॉलर्स की 18-22 जहाँ पे उनका मसल ग्रो कर रहा होता है बोन्स ग्रो कर रही होते हैं उसमें इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर वो एक आपका पीरियड गुजर जाए नॉट इंजरी फ्री बट इंजरी
मसल पुल हो जाए, ये चीजें, वो तो नॉर्मल है, बिकॉज फास्ट बॉलिंग इज नॉट एन ईजी जॉब, उसमें इंजरीज आती है, उस इंजरी से वापस कैसे आते हैं और कितनी जल्दी आते हैं, और इसे कंसिस्टेंट, देर इज नो डे ऑफ, आप टाइम ऑफ ले सकते हो गेम से, फिटनेस नहीं ले सकते। अगर हमने महीना ऑफ लिया गेम से तो फिटनेस आपने वही रखनी है, बिकॉज अगर महीना बिस्तरे पे लेटे रहे हो, नेटफ्लिक्स देखते रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल आपका आप पकड़ पाओगे बाकी फास्ट बॉलर्स को। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ अनदर फैबुलस एपिसोड ऑफ मैच की बात, द शो फॉर द फैंस ऑफ द फैंस एंड बाय द फैंस। वसीम सर, एज यूजुअल, कैसा लगा आपको आज का शो? बड़ा एंजॉय किया मैंने, गुड सब्जेक्ट्स, वेरी गुड क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। जब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो फिर बात करने का मजा भी आता है। आई एंजॉयड इट, बहुत मजा आया। तो सर आपने इतना एंजॉय किया है, तो आप फैंस को भी बता दीजिए टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो टू सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट। या स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, यकीन मानो बहुत एंजॉय करोगे। अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं और फनी होता जाऊंगा, बेफिक्र रहो आप लोग।